नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया जॉब लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो जॉब है वो टोटली यूको बैंक से रिकमेंड आया है। तो यूको बैंक आप सभी जानते हैं, एक देखा जाए तो पीएसयू बैंक है। और इस बैंक के ऊपर रिकमेंड जो है उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूको बैंक से जो रिकमेंड है उसका डिटेल्स डेटा यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपको ऑफिशियली कुछ लिंक्स भी दिया गया है, जिस लिंक में जाकर आप ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो इस ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स दिखाना चाहूँगा। तो इस जो जॉब है, इस जॉब का डिटेल्स के मैं बारे में बात करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्टेट है, हर स्टेट में आपको टोटल अप्रेंटिस के लिए मौका दिया जा रहा है। तो अप्रेंटिस का मौका है हर स्टेट के लिए, हर स्टेट के व्यक्ति के लिए। तो कुल मिलाकर अंडमान एंड निकोबार द्वीपपुंज के लिए आपको 1 वैकेंसी दिया गया है, आंध्र प्रदेश के लिए 7 वैकेंसीज, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के लिए 1 वैकेंसीज, असम के लिए 24, बिहार के लिए 39, साथ ही साथ देखा जाए तो चंडीगढ़ में 4 एंड छत्तीसगढ़ में 10, साथ ही साथ दादर नगर में आपको 1, साथ ही साथ अलग अलग जगह गोवा में 1, उसके साथ गुजरात में 18, इस तरीके से कर्नाटका हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, साथ ही साथ लक्षद्वीप हो गया, उड़ीसा, न्यू दिल्ली, और उसी तरीके से देखिए उड़ीसा में 44 सबसे हाईएस्ट, उसके साथ साथ राजस्थान में 39, उसी तरीके से आपको वेस्ट बंगाल में 85 सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 544 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो ये जो अप्रेंटिसशिप है इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सारे डिटेल्स दिया गया है। इस डिटेल्स को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से सारी चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल्स है वो डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ। तो यहाँ पे ज़रूर आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपको सिटीजनशिप इंडिया होना चाहिए, और एज लिमिट आपका 28 ईयर होना चाहिए, वो भी 1 जुलाई 2024 के हिसाब से। मतलब मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स तक होना चाहिए। मतलब आपका जन्म अगर 2 जुलाई 1996 में हुआ और आज के दिन के हिसाब से, मतलब 1 जुलाई 2004 के हिसाब से हुआ, इस साल के अंदर आपका अगर जन्म हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप SC ST के लिए 15 साल, और फिजिकल हैंडीकैप OBC के लिए 13 साल 13 साल, और फिजिकल हैंडीकैप जनरल कैटेगरीज के लिए 10 साल एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे जो जब इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो पर्सन जो अफेक्टेड बाय द 1984 उसके लिए 5 साल भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। तो कुछ सालों के एक्सटेंड किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन से, और वो भी 1 जुलाई 2024 के आगे आप पास आउट कर चुके हैं तो आप ज़रूर इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के दिया गया है 1 साल, 1 साल तक आपका ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग के लिए, और स्टाइफन जो मिलेगा 10,500 रुपीज़ आपको स्टाइफन मिलेगा, और गवर्नमेंट आप देख सकते हैं गवर्नमेंट शेयर एंड स्टाइफन जो है वो 4,500 रुपीज़ मिलेगा। बेसिकली अच्छा खासा स्टाइफन यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो स्टेट ऑफ लोकेशन एंड लैंग्वेज, तो आपका आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से आपको लोकल लैंग्वेज के नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ टेस्ट एंड लोकल लैंग्वेज का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको बताया जा रहा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द टेस्टिंग सीट ऑफ द पर्टिकुलर सीट्स, तो आपका जो स्टेट है उसी स्टेट के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। ट्रेनिंग आवर जो रहेगा वो यहाँ पे डेली आवर्स के बेसिस में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो डिटेल्स में आपको डिस्कशन बाद में किया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिस्ट आप देख सकते हैं। इस सारे लिस्ट को देखने के बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। पहले देखिए दो ऑफिशियली वेबसाइट दिया गया है, पहले इस ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया वो देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो बताया गया है आपको वो जाना कहाँ पे है, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट लॉगिन में, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर चले जाना। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब भी मैंने क्लिक किया कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया, तो नीचे आना है, सारे डिटेल्स आपको पूछा जा रहा है, आधार नंबर और आपका पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब कुछ है तो आप जरूर यस करिए।
जब ये यस करेंगे तो आपको पूछा जाएगा आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। इस दोनों में आपको ओटीपी सेंड करना है और ओटीपी आपको भेजने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है उस नंबर को यहाँ पे एंटी करने के बाद फाइनली यहाँ पे सबमिट करना है। तो स्टेप वाइज आप करते जाइए, उसके बाद आप डिटेल्स को फिलअप करिए। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।